राम राम। दाल चावल हम सबका फेवरेट फूड है, ठीक है, हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं दाल चावल मिक्स करके, मस्त जब भी भूख लगती थोड़ा दाल चावल मिक्स किया खा ले। लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा साइंस है जो कि हम लोगों को बचपन से ही दिया जा रहा है दाल चावल, और पहले के टाइम पे तो इतना साइंस या फिर इतनी कुछ किताबें थी नहीं, लेकिन फिर भी उस समय पे लोगों के पास इतना दिमाग था कि इस फूड को कंबाइन करने से क्या बेनिफिट होते हैं उनको पता था। अब कैसे हम समझाते हैं, देखो जब तुम दाल और चावल हमेशा मिक्स करके खाते हो साथ में, तब होता यह है कि जो दाल है उसमें प्रोटीन तो है लेकिन कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, जो प्रॉपर इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो पूरे नहीं है इसमें। लेकिन जब तुम इसको चावल के साथ कंबाइन करते हो, चावल के साथ मिक्स करके खाते हो, तो होता यह है कि ये कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स बन जाता है। दूसरी चीज़, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने का मतलब यह है कि तुम्हारी बॉडी में स्वेलिंग की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन जो होता है उसकी प्रॉब्लम, ये सारी दिक्कतें नहीं होंगी। तो इस वजह से ये मील इतना वेल एग्जीक्यूट की गई थी कि मतलब दोनों को मिक्स कर दो फिर खाओ ताकि प्रोटीन तुम्हें कंप्लीट मिले। उस समय बिना किताबों के ये सब ज्ञान था। अगली बात, हम देखा होगा तुम लोगों ने कि हम लोग हमेशा घी डाल के खाते हैं इसके ऊपर। अब कई लोग नहीं खाते हैं, कई लोग खाते हैं, तो जब तुम घी डालते हो तो तुम्हें क्या मिल गया, गुड फैट्स मिल गए। क्या मिल गया, गुड फैट्स मिल गए जो तुम्हारी बॉडी में जॉइंट्स हार्ट के लिए बेस्ट हैं। अब इसके साथ साथ जब तुम क्या कहते हैं हरी सब्जी कुछ ऐड कर देते हो, आलू मटर पालक जो भी खाते हो उसके साथ, उसके साथ साथ ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का और कम हो गया। तो तुम समझ पा रहे हो, ये जो कंप्लीट मील एक तैयार हो रही दाल चावल के साथ घी की, ये एक कंप्लीट मील है। इसके बाद तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, दाल चावल और जब ये घी तुम खाते हो तो इसमें तुम्हें प्रोटीन मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है, गुड फैट्स मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ तुम्हें मिल रहा है प्रोटीन और मिनरल्स। ठीक है, अब ये जो फूड आपकी बॉडी में गया, अब एक चीज़ ये भी है कि इसको तुम मान लो तुम्हें भूख लगी, तुम सुबह उठे कुछ नहीं है, दाल चावल रखे हम सुबह भी खाते हैं, सुबह गर्म करके इनको तुम खा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा टेस्टी लगते हैं। दोपहर में तुम्हें लंच में खाने हैं तब खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डिनर में खाने हैं तब भी खा सकते हो, मतलब एक ऐसी मील है जिसको आप कभी भी खा सकते हो। प्री वर्कआउट अगर आपके पास कुछ नहीं है ऐसा, एक डेढ़ घंटे पहले कुछ खाना है, थोड़ा सा दाल चावल खा के चले गए। कई लोग जाते हैं रनिंग करने जा रहे हो, डेढ़ से दो घंटे पहले खा लिए चले गए। पोस्ट वर्कआउट तुम्हें चाहिए उस समय भी खा सकते हो। समझ पा रहे हो, एक ऐसा वर्सेटाइल फूड है एक तरीके का। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर तुम फैट लॉस कर रहे हो, अपना वजन घटाना चाह रहे हो, तब भी तुम दाल चावल खा सकते हो, वजन बढ़ा रहे हो तब भी दाल चावल खा सकते हो। समझने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग कि मतलब एक ये जो फूड कॉम्बिनेशन है ये तुम्हें हर जगह हेल्प करेगा। तो दाल चावल जिनको आप फेवरेट नहीं है भैया, एक बार ट्राई करके देखो, मज़ा आ जाएगा, आम के अचार के साथ और स्वादिष्ट लगेगा। खाओ, आप फैट लॉस कर रहे हो, मसल गेन कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो, नो मैटर, आप बिल्कुल खा सकते हो अपनी कैलोरीज को ध्यान में रखते हुए। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।